The prevalence of diabetes in India has risen from 7.2 in 2007 to 8.9 in 2019. The prevalence of diabetes has gone manifold in India, and today we are in Government Medical College, Srinagar, where we are going to talk to a few of the doctors on Diabetes Day to understand how is the magnitude of this problem, this disease, and to understand more on this, we will have more doctors on this show. आज वर्ल्ड डायबिटीज़ डे 2024 के हवाले से हम यहाँ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में एक रोज़ा CME मुनाकिद कर रहे हैं, जिसमें हमारा फोकस जेस्टेशनल डायबिटीज़ यानी प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ पे है। जैसा कि आप जानते हैं, डायबिटीज़ एक बीमारी जो है पेंडेमिक की तरह फैल रही है, और इस वक्त दुनिया में कम से कम 55 करोड़ डायबिटिक पेशेंट्स हैं, और उनमें से 45% को ये पता नहीं कि उनको डायबिटीज़ है। इसके अलावा अगर आप अपने मुल्क में देखें, इस वक्त हमारी प्रेवलेंस जो डायबिटीज़ की है, शराय फ़ीसद 10 से 12% है। अगर आप देखेंगे, इस वक्त हिंदुस्तान में कम से कम 20 करोड़ डायबिटिक पेशेंट हैं, और उनमें से 50% को पता नहीं है पहले कि उनको डायबिटीज़ था। इसी तरह प्री डायबिटीज़ यानी शुगर से पहले का स्टेज जो है, उसकी शराय फ़ीसद कम से कम 16% है। हाइपरटेंशन की शराय फ़ीसद 32% है, और हाई कोलेस्ट्रॉल की शराय फ़ीसद कम से कम 25% है। तो ये जो हमारे पास ये एदाद शुमार है, इससे पता चलता है कि हमें जिन मरीज़ों को ऑलरेडी डायबिटीज़ है, उनको रूल ऑफ ABCDE पे अमल करना है, यानी ए फॉर A1C लेस देन 7, बी फॉर ब्लड प्रेशर लेस देन 130/80, सी फॉर कोलेस्ट्रॉल LDL लेस देन 100, डी फॉर डाइट यानी मुकवी गज़ा खानी है जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स की मकदार बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और ई फॉर एक्सरसाइज कम से कम 45 मिनट की एक्सरसाइज या 30 मिनट की एक्सरसाइज हर दिन करनी चाहिए। और इसके अलावा जो पेशेंट जिनको अभी प्री डायबिटीज़ है, शुगर से पहले का स्टेज है, उनके लिए हमारे पास ये जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स जो उनको डाइट और एक्सरसाइज के बारे में जानकारी देंगे। आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो कि शुगर यानी डायबिटीज़ की जो एदाद शुमार बढ़ रही है, इसी की वजह से प्रेगनेंसी में भी डायबिटीज़ की शराय बढ़ रही है। इस वक्त सारे इंडिया में कम से कम साउथ ईस्ट एशिया रीजन में 28% की शरह है जो प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ है। इस को देख रेख करने के लिए, इसको डिस्कस करने के लिए हमने यहाँ ये CME एक रोज़ा मुनक्किद की है, ताकि हम जो यहाँ के लेडी डॉक्टर साहिबान हैं उनसे भी मशवरा करके और ये देखें कि इस डिज़ीज़ यानी बीमारी का कैसे तदारुक किया जाए। लेकिन वर्ल्ड डायबिटीज़ डे 2024 के हवाले से यही कहना है कि जो हमारे पास एदाद शुमार है, आप बता दीजिएगा कि क्या करेंगे। एवरेज आपको जो 3 महीने का जो शुगर लेवल है, वो आपको ये भी दिखा रहे हैं किस लेवल में अभी आपका रहा है। ठीक है सर, इसके लिए भी हमें आपको ये ब्लड सैंपल लेना पड़ता है, तो उस हिसाब से आपको इसकी डिटेल्स दे देंगे कि आपका क्या है। आपका ये सैंपल हम कलेक्ट कर लेंगे सर। तो ये आप घर पे भी कर सकते हैं, ये सेल्फ मॉनिटरिंग सिस्टम है, आप अपनी डिवाइस देके आप घर में ये कर सकते हैं। जैसे आपको हैवी जैसे हम नॉर्मली जो डिवाइस होती है उससे जैसे हम करते हैं सेम, जैसे हम ग्लूकोमीटर कोई भी होता है नॉर्मली वो आपके घर में होता है, आप उससे भी चेक करते हैं कि आप अभी रैंडम क्या है, फास्ट क्या है, या आपको लेकिन 3 महीने का। अच्छा, तो अभी आपने सैंपल ले लिया और इसको आप ये सैंपल आपका हमने पहले कलेक्ट करिए, अब हम डिवाइस को ऑन करेंगे, उसके बाद इसमें आज 14 नवंबर है, आज वर्ल्ड डायबिटीज़ डे है। ये वर्ल्ड डायबिटीज़ डे इसलिए मनाया जाता है कि हमें डायबिटीज़ के बारे में जो अच्छी चीज़ें हैं, जो इंफॉर्मेशन होनी चाहिए एक कॉमन मैन को, वो पता चले, क्योंकि डायबिटीज़ दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, हमें इसका थोड़ा तदारुक करना है। जब हम इसको ज़्यादा जानेंगे तभी हम कोई करेक्टिव मेजर कर सकते हैं, ताकि डायबिटीज़ से हम बच सकें। तो जैसा कि अभी अंदर भी डिस्कस हुआ कि जो डायबिटीज़ और प्रेगनेंसी अभी कॉमन हो रहा है, इसके बहुत सारे वजह है। एक तो यहाँ हमें लेट मैरिज होती है, पहले के ज़माने में
20 साल के बाद ही शादी होती थी, बच्चे होते थे, लेकिन अभी जो एवरेज एज एट मैरिज है वो 32 है। तो एज भी एक फैक्टर है जिसकी वजह से हमारा जो ये डायबिटीज इन प्रेगनेंसी बढ़ रहा है। दूसरा ये है कि वजन सबका ज़्यादा है, मैक्सिमम लोगों का वजन ज़्यादा है, वो भी एक डायरेक्ट रिस्क फैक्टर है डायबिटीज एंड प्रेगनेंसी का। सो ये चीज़ें हमें जाननी है ताकि हम अपना खाना ठीक से खाएं, उतना खाएं जितना हमारा फिजिकल एक्टिविटी हो, वेट ना बढ़ाए, फिजिकली एक्टिव रहे, और इस ये चीज़ें करने से ओवरऑल जो डायबिटीज का प्रेवलेंस है डायबिटीज हमारी कम्युनिटी में किसी हद तक कम हो सकता है। और जब भी कोई भी प्रेग्नेंट हो पहले डॉक्टर के पास जाके उसी टाइम शुगर का टेस्ट करना चाहिए ताकि ये पता चले कहीं हम उसको पता ही नहीं उसको शुगर है, तो अगर उसकी वजह से फिर बच्चे में जो प्रॉब्लम हो सकती है वो हम बचा सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं कि हमें पहले से ही पता होना चाहिए हमें क्या करना है, और अब जितना हम फिजिकल एक्टिविटी बढ़ा सकते हैं उतना हमारे लिए अच्छा है।